हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, आज इस ड्राइंग की थर्ड पार्ट है। जिसने भी आउटलाइन ट्यूटोरियल और फेस ड्राइंग ट्यूटोरियल नहीं देखा है तो वो लोग ज़रूर से देख लेना। वीडियो की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो इस पार्ट में बैकग्राउंड के लिए यहाँ पर मैं रेड कलर को यूज़ कर रहा हूँ। तो बैकग्राउंड में जो भी एरियाज आप लोगों को दिख रहा है वहाँ पर पहले रेड से सिंपली शेडिंग कर लेना। रेड कलर से शेडिंग कर लेने के बाद जो भी एरियाज आप लोगों को डार्क दिख रहा है वहाँ पर ब्लैक से सिंपली शेडिंग कर लेना। आप लोग वीडियो में भी देख सकते हो मैं किस तरह से कर रहा हूँ। ज़्यादा प्रेशर को अप्लाई मत करना, हल्के हाथ से ही करना, नहीं तो एकदम से डार्क हो जाएगी। ओके, शेडिंग कर लेने के बाद मैं इसको ब्लेंडिंग करने के लिए यहाँ पर मैं 3-4 कॉटन बार्ड को एक साथ यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि एरियाज ज़्यादा बड़ा है और इस तरीके से करने से आप लोगों को यहाँ पर टाइम भी कम लगेगा। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कॉटन बार्ड्स को मैं गोल गोल घुमा के ब्लेंडिंग कर रहा हूँ। इससे रिफरेंस फोटो की बैकग्राउंड में जो स्मोकी इफेक्ट है वो आ जाएगी। तो आप लोग भी ऐसा ही करना, एकदम से घिस के ब्लेंडिंग करने की कोशिश मत करना। ओके, अभी हेयर्स के लिए मैं यहाँ पर डार्क ब्लू कलर को यूज़ कर रहा हूँ। सिंपली आप लोगों को रिफरेंस फोटो को ऑब्जर्व करके हेयर की डायरेक्शन में स्ट्रोक देना है। हेयर्स में एकदम रिफरेंस फोटो की जैसा ही करना है, ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत आप लोग चेंजेस कर सकते हो, नहीं तो मैं जिस तरह से कर रहा हूँ आप लोग देख कर भी कर सकते हो। तो अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करो मैं किस तरह से कर रहा हूँ, देन आप लोग भी वो कॉपी पेस्ट कर लेना। हेयर की डायरेक्शन में स्ट्रोक किस तरह से देना है मैं बोल देता हूँ। जहाँ पर आप लोगों को डार्क दिख रहा है वहाँ पर आप लोग प्रेशर को अप्लाई कर सकते हो, और जहाँ पर हाईलाइटेड एरियाज दिख रहे हैं वहाँ पर आप लोग छोड़ के शेडिंग करना। तो इसी तरीके से मैं फुल हेयर्स में शेडिंग करूँगा। तो आप लोग देखो मैं किस तरह से कर रहा हूँ। ओके, अभी मैं इसको एक बार ब्लेंडिंग कर लूँगा। ब्लेंडिंग करने के लिए यहाँ पर मैं अपनी फिंगर्स को यूज़ कर रहा हूँ, और जिस भी डायरेक्शन में आप लोग शेडिंग किए हो उसी डायरेक्शन के हिसाब से आप लोगों को ब्लेंडिंग करना है। मैं किस तरह से कर रहा हूँ आप लोग फॉलो करो, देन आप लोग समझ पाओगे। ओके, ब्लेंडिंग करने के बाद आप लोगों को जहाँ पर भी एकदम से डार्क एरियाज दिख रहे हैं वहाँ पर आप लोगों को ब्लैक से शेडिंग करना है। और गाइस, आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट, स्किप करके मत देखो, नहीं तो आप लोग कुछ भी समझ नहीं पाओगे। तो यहाँ पर आप लोग रिफरेंस फोटो को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करो, और जहाँ पर भी आप लोगों को डार्क एरियाज दिख रहे हैं वहाँ पर आप लोग सिंपली ब्लैक से शेडिंग कर लो। नहीं तो आप लोग मेरे वीडियो में भी देख सकते हो मैं किस तरह से कहाँ पर यूज़ किया हूँ ब्लैक को, तो वो कॉपी पेस्ट कर लेना। और ब्लैक से शेडिंग कर लेने के बाद मैं इसको फिंगर से ही ब्लेंडिंग कर लूँगा। एकदम हल्के हाथ से करना है, और जिस तरीके से आप लोग पहले किए थे उसी तरीके से करना है। और इसको ब्लेंडिंग करने के बाद मैं इसको अपने नाखून से हेयर की डायरेक्शन में स्क्रैच करूँगा। आई नो सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है, बट आप लोग ट्राई करके देखना, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगी। और नहीं तो आप लोग चाहे तो कोई भी स्क्रैचर से भी कर सकते हो। तो आप लोग ध्यान से देखो मैं किस तरह से कर रहा हूँ। आप लोगों को जहाँ पर भी हाईलाइटेड एरियाज दिख रहे हैं वहाँ पर ही आप लोगों को स्क्रैच करना है। इसके बाद देखना जो हेयर से वो बहुत ही रियलिस्टिक लगेगी। ओके, इसके नेक्स्ट स्टेप में जहाँ पर भी आप लोगों को एकदम से हाईलाइटेड एरियाज दिख रहे हैं वहाँ पर आप लोगों को सिंपली व्हाइट से हेयर की डायरेक्शन में शेडिंग करना है। बट ध्यान से, एकदम से जहाँ पर आप लोगों को हाईलाइटेड एरियाज दिख रहे हैं वहाँ पर यूज़ करना है। तो आप लोग ध्यान से देखो मैं कहाँ पर किस तरह से यूज़ कर रहा हूँ। Thank you.
और अगर आप लोगों से कुछ गलती हो जाती है तो आप लोग वहाँ पर ब्लैक से करेक्शन कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट ज्वेलरी ड्राइंग में यहाँ पर मैं पहले बूफ या फिर डीप येलो कलर को यूज़ कर रहा हूँ। अभी जो भी आप लोगों को रिफरेंस फोटो में ज्वेलरी दिख रहा है वहाँ पर सिंपली बूफ से फुल सेटिंग कर लेना। सेटिंग करने के बाद आप लोगों को उसको अच्छी तरीके से कॉटन बर्ड से ब्लेंडिंग करना है। और ब्लेंडिंग करने के बाद उसके ऊपर आप लोगों को डार्क ब्राउन और ब्लैक से शेडिंग करना है। और अभी इसको भी कॉटन बर्ड से अच्छी तरीके से ब्लेंडिंग कर लेना, बट इस बार हल्के हाथ से करना। ओके, अभी इसके ऊपर स्क्रैच करने के लिए यहाँ पर मैं 0 साइज की ब्रश को यूज़ कर रहा हूँ। बेसिकली ब्रश की पीछे की साइड से स्क्रैच करना है, तो आप लोग अभी जादू देखो। गाइज, आप लोग चाहे तो किसी और चीज़ से भी कर सकते हो, बट इसको पकड़ने में अच्छी ग्रिप मिल जाती है, इसलिए मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। तो आई होप आप लोगों को ये टेक्निक समझ में आ गई होगी। तो आप लोग अभी देखो मैं किस तरह से कर रहा हूँ, बेसिकली मैं किस तरह से डिज़ाइन को कर रहा हूँ, वो आप लोगों को फॉलो करना है। और अभी इसके ऊपर 3D लुक देने के लिए सिंपली यहाँ पर मैं ब्लैक कलर पेंसिल से शेडिंग कर रहा हूँ। और अभी हाथ में जो भी ज्वेलरी है उसको भी मैं उसी तरीके से ड्रॉ करूँगा। और हाथ को शेडिंग करने के लिए पहले पार्ट में जिस तरीके से मैं फेस को शेडिंग किया था उसी तरीके से शेडिंग करूँगा। सो आई थिंक कुछ बोलने को है नहीं, तो आप लोग ध्यान से देखो मैं किस तरह से कर रहा हूँ। सो देखो, ओके, आई होप आप लोगों को ये ड्राइंग पसंद आई है, तो एक लाइक ज़रूर से कर देना और चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं गाइस जल्दी किसी ड्राइंग वीडियो में, नहीं तो किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नाउ एंजॉय द रिव्यू।